जी हाँ, मध्य प्रदेश के उज्जैन जिला के बड़नगर थाना अंतर्गत बड़नगर तहसील के गांव की घटना है, जहां पिता का कहना है कि मेरे पुत्र ने आत्महत्या नहीं की है, मर्डर किया गया है। लड़के की मौत को लेकर गरीब बुजुर्ग माता पिता लगा रहे हैं रोज थाने के चक्कर, पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बड़नगर तहसील के गाँव बंगरेड़ी में एक पुरुष की दिनांक 17 अक्टूबर 2020 को मौत हुई थी, जो उसके माता पिता से अलग पत्नी के साथ रहता था। पिता को जानकारी मिली कि मेरे पुत्र विष्णु ने आत्महत्या कर ली है। विष्णु गांव से तलाई वाले मकान में उसकी पत्नी आरती के साथ रहता था। घटना के 4-5 दिन पहले ही विष्णु आरती को लेकर आया था। मेरे पुत्र ने आत्महत्या नहीं की थी। पिता का कहना है कि मकान इतना ऊंचा नहीं है जहां फांसी लगाया जा सके। उसकी पत्नी आरती ने षड्यंत्र रचकर अन्य के साथ मिलकर उसकी हत्या की है। घटना के समय आरती व उसकी बहन की लड़की शिवानी भी उसके साथ थी। घटना की जानकारी मिलते ही मेरे पुत्र कैलाश ने लेखित रिपोर्ट दिनांक 17 अक्टूबर 2020 को पुलिस थाना बड़नगर में दर्ज करवाई। पुलिस ने मेरे पुत्र का पोस्टमार्टम भी करवाया था। मैंने पुलिस को एक लिखित आवेदन देकर हत्या की जांच करवाने की मांग की थी, पर बड़नगर पुलिस ने आज तक उक्त घटना की कोई भी जाँच व कार्यवाही नहीं की है। मेरे पुत्र की हत्या की जांच करवाई जाए, उक्त दोषी के विरुद्ध दंडनात्मक कार्यवाही करवाने की मांग। मेरे पुत्र की हत्या हुई है और मैं रोजाना पुलिस थाना बड़नगर के चक्कर लगा रहा हूं, पर मेरी नहीं सुनी जा रही। अभी तक पुलिस थाना द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की, विजय सोलंकी द्वारा जानकारी दी गई है। खाचरों से मुरली दस कराएगी की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? सुभ्राम। कौन से गांव रहते हैं? बंगरेड़। आपके पुत्र की क्या कारण से हत्या हुई थी? ये मेरे पुत्र थे विष्णु, उसकी पत्नी ने हत्या की है, मर्डर उसका किया है। आपने पुलिस में शिकायत की थी? शिकायत बड़ा अभी तक कोई सुनी नहीं पुलिस वाला ने, शिकायत नहीं। कितने दिन हो गए इस बात को? 24-25 दिन होने के आए था, कोई नहीं सुनी। और 17 तारीख का मर्डर हुआ था। उस दिन हुई थी दोनों, उसकी बहन की लड़की और वो एक शिवानी ने, वो आरती दोनों थी, और दोनों ने मिलकर हत्या की, या फिर उसने किसी के साथ मिलकर मारा है? क्योंकि घर इतना बड़ा नहीं है, घर इतना बड़ा नहीं है, सिर से हटता है ना, क्योंकि फांसी लग ही नहीं सकती वहाँ पे। आपने पुलिस में किस पर कार्रवाई की होगी अभी तक? कार्रवाई की सर, पर पुलिस वाले कोई अभी तक घर पे आए ही नहीं। हत्या का केस भी दर्ज नहीं हुआ सर? आज एसपी साहब को लिख के लिए आए, हमने शिकायत की है वहाँ पे। हाँ साहब, यहाँ मर्डर हमने यहाँ देखा, आके लाश यहाँ पड़ी थी, और ये दो 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 तो मासी बची थी, एक मेरा लड़का था, तीन के अलावा कोई दूसरा था भी नहीं सर। यहाँ बिल्कुल नहीं, पैसे भी कोई नहीं था, कहीं मालूम ये मरवाओ या मारो, मर्डर इसने किया, मर्डर इसने किया, और ये सत्य बोलता हूँ बस। ये साहब इससे चला हाथ जोड़ने मारे निवेदन है, आप आए ना, आप भी मौको दे के जाए बोले आप, बिल्कुल मेरा कहना है, बिल्कुल मौको दे के जाए आप। बोल कोई बोलेगा? बोल तू, जी भी को नहीं साहब। मैं लड़की घर गई थी, हूँ 3-4 रोज में हूँ भी नहीं थी, मैं 8:30 बजे फोन आयो, 9 बजे यहाँ आई हूँ। यहाँ देखे तो मने कुछ मने कही बेड़ा ही देने, मारे बेटा यहाँ पड़िया था, यहाँ पड़िया था, यहाँ देखा न कोई मन तो कोई दड़े ने जावा दी थी, पकड़ ली थी, मने में लोग भाग गए, तो मैंने मुंडो देखने भी नहीं पाई हूँ तो नहीं सर। और गला घोटा हुआ था उसका, ये हमने मामला नहीं, ये दो ही थी, ये दो ही थी ना, मरो वाला था, गला घोटा हुआ था, और तो कुछ भी नहीं था, ये गला घोटा हुआ था।